गुड मॉर्निंग, मैं हूं यशकरण। आज मैं लेकर आया हूं एक और वीडियो यूडीएम के ऊपर, हाउ टू क्रिएट लेजर ऑन यूडीएम। तो यूडीएम के ऊपर मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। पहली वीडियो में मैंने यूडीएम के कंप्लीट जानकारी दी थी कि यूडीएम क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं और इसके यूज़र कैसे क्रिएट किए जाते हैं। सेकेंड वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमने यूज़र क्रिएट किए हैं उसकी कंसाइनी के साथ मैपिंग कैसे करनी है। और थर्ड वीडियो में मैंने बताया था कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं यूडीएम एप्लीकेशन के अंदर जाके। तो जो थर्ड वीडियो में मैंने बताया था वो थ्रेटिकली बताया था, तो आज मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि यूडीएम एप्लीकेशन के अंदर लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन इससे पहले जिन्होंने मेरी पहले 3 वीडियो यूडीएम एप्लीकेशन के बारे में नहीं देखी तो पहले वो तीनों वीडियो देखें, उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए अभी हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे ही हम ओपन करते हैं वेबसाइट irepsgovin, तो लॉगिन होने के बाद हमारे पास सबसे पहले ये विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैनल है इसमें कुछ टैब बने हुए हैं, जैसे DMTR, लेजर, रिसीट, एक्सेप्टेंस, CRN, CRC, S1313 स्टोर, अकाउंटर, रिक्वजिशन एक्सेट्रा। तो इसमें सबसे पहले जो DMTR है, DMTR का मीनिंग है, फुल फॉर्म है डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो अभी हमने इस स्टेप को स्किप करना है क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है। DMTR में क्या होता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं डेली की वो सारी हमारे पास इस विंडो में नज़र आ जाएंगी। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन होने के बाद हमारे पास डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले आज हम, क्योंकि हमारे लिए लेजर बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले हमें लेजर खोलनी है, तो आज हम लेजर को ओपन करने का प्रोसीजर ऑनलाइन प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैनल है जहाँ पे लेजर लिखा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है क्योंकि सबसे पहला काम हमने क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए लेजर पे क्लिक करेंगे। लेजर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ये विंडो ओपन होती है इसमें ऊपर वाली साइड पे 3 टैब बने हुए हैं, लेजर्स, फोलियो और आइटम। तो बाय डिफॉल्ट पहले लेजर आ गया है। तो इसमें इस विंडो में हमारे पास ये समरी है, समरी ऑफ लेजर्स मेंटेन्ड एज ऑन, क्योंकि जिस डेट में भी हम ओपन करते हैं उस डेट को हमारे पास जो भी लेजर की समरी है हमारे पास वो यहाँ पे विंडो में नज़र आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए क्या करना है, राइट हैंड साइड पे जो ये ऑप्शन है क्रिएट न्यू लेजर जो ब्लू कलर में नज़र आ रही है, इसको हमने क्लिक करना है। क्रिएट न्यू लेजर को क्लिक करते ही हमारे पास जो नेक्स्ट विंडो ओपन होती है उसमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लेजर नंबर 002। तो 001 मैं ऑलरेडी लेजर बना चुका हूँ तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली 002 आ गया। हम यहाँ पे लेजर का कोई भी नाम रख सकते हैं, 003 भी रख सकते हैं, 004, अपना जो भी मनपसंद का लेजर है नाम है वो हम रख सकते हैं। तो लेजर नंबर के बाद नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास लेजर नेम, तो यहाँ पे हमने लेजर नेम लिखना है। तो हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे TNP,
टी एंड पी आइटम्स की। नाम टाइप करने के बाद हम सेव करते हैं तो हमारे पास ये लेजर सक्सेसफुली क्रिएट होगी। ऊपर लिखा लेजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी एक और लेजर सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। ये ऐसे ही है जैसे हम बाजार से एक नोटबुक लेके आते हैं लेजर खोलने के लिए, और उसके टॉप कवर पे हम लेजर का नंबर लिखते हैं और साथ में उसका नाम लिख देते हैं कि ये लेदर हम किस आइटम के लिए खोलने जा रहे हैं, किस टाइप की आइटम के लिए खोलने जा रहे हैं। ये लेदर खोलने के बाद हमारे दिमाग में आता है कि हमने इसका नाम जो है वो गलत लिख दिया है या कोई नाम और रखना है, तो हम इस नाम को एडिट भी कर सकते हैं। कैसे एडिट करेंगे? यहाँ पे हमारा जो ये राइट हैंड साइड पे पेन का निशान बना हुआ है, तो इस पेन के निशान को हम क्लिक करेंगे तो दोबारा से हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाती है और इसमें जो टी एंड पी लिखा हुआ है इसको हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ हम एडिट करके देखते हैं, यहाँ पे टी एंड पी लिख के इसको अपडेट की ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करते हैं। लेजर नेम अपडेट सक्सेसफुली, तो अभी हम देखते हैं कि ये लेजर जो हमने अभी एडिट की है उसका नाम चेंज हो गया। पहले टी ए एंड डी एंड पी आइटम्स लिखा हुआ था, अभी हमने कर दिया है टी एंड पी आइटम्स, तो ये हमारा नाम एडिट हो गया है लेजर का। तो नेक्स्ट स्टेप है फोलियो। जैसे फिजिकल लेजर में फोलियो होते हैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक लेजर में फोलियो होंगे बहुत सारे एक लेजर में, तो फोलियो के लिए क्या करना पड़ेगा? फोलियो को क्लिक करना है। फोलियो को क्लिक करने के बाद अभी जो हमारे पास विंडो ओपन हुई है उसमें राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू लेजर फोलियो, तो यहाँ पे हम इसको, ये ब्लू कलर में है, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये नई विंडो ओपन हो गई है जिसमें लिखा हुआ लेजर नंबर। लेजर नंबर ये ड्रॉप डाउन में हम देखेंगे, यहाँ पे 002 टीएनपी आइटम हमने लेजर बनाई थी, इसको हम क्लिक करेंगे। लेजर फोलियो नेम, लेजर फोलियो नेम हम बनाएंगे, फोलियो नेम हम रख देते हैं। टी एंड पी आइटम के लिए हम ये फोलियो बना रहे हैं, तो लेजर का जो फोलियो का नाम रखेंगे। कंप्यूटर कार्ट्रेज, कंप्यूटर कार्ट्रेज अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है लेजर फोलियो क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो आइए अब देखते हैं लेजर में। लेजर टैब को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर पे जो लेजर बनाई थी 002 टीएनपी आइटम के लिए, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ फोलियोस 1, नंबर ऑफ आइटम्स 0। अभी हमने सिर्फ फोलियो बनाया है, अभी इसमें आइटम कोई फीड नहीं की है, तभी वैल्यू भी इसकी 0 आ रही है। तो अभी हम देखते हैं फोलियो को क्लिक करके, फोलियो टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हमने टी एंड पी लेजर में ये फोलियो बनाया है कंप्यूटर कार्ट्रेज का, तो इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितनी आ रही है? 0, और वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर कार्ट्रेज जो हमने फोलियो बनाया है तो इसका अगर हम नाम चेंज करना चाहें तो नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये पेन का जो बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद
यहाँ पे जो कंप्यूटर कार्ट्रेज है इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो अभी मैंने नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया है कंप्यूटर आइटम। तो इसको हम अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लेजर फोलियो नेम अपडेट सक्सेसफुली। हमारी जो फोलियो का नेम है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। तो अभी हम देखते हैं फोलियो फोलियो का जो नाम एडिट हुआ है या नहीं। हाँ, यहाँ देखिए पहले लिखा हुआ था हमने कंप्यूटर कार्ट्रेज, तो अभी हमने लिख दिया कंप्यूटर आइटम। कंप्यूटर आइटम ये हमारा नाम चेंज हो गया। इस तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है फोलियो का भी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है आइटम्स। आइटम्स, हाउ टू क्रिएट आइटम्स। आइटम्स क्रिएट करने के लिए आइटम टैब को क्लिक करना है और राइट हैंड साइड पे क्रिएट न्यू लेजर फोलियो आइटम, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये आइटम फीड करने के लिए फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लेजर लेजर जो हमने बनाई है 002 TNP आइटम के लिए, इसको क्लिक करेंगे। लेजर फोलियो नेम को सिलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर आइटम्स, वेदर स्टॉक, नॉन स्टॉक। यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन में देखेंगे दो तरह की आइटम है, स्टॉक एंड नॉन स्टॉक। तो हम नॉन स्टॉक को क्लिक करते हैं। सर्च नॉन स्टॉक आइटम कोड, अभी हम सर्च करते हैं आइटम कोड। आइटम कोड सर, यहाँ पे हम आइटम डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं शॉर्ट में और न्यू आइटम कोड पे भी क्लिक करके हम आइटम सर्च कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन में, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालते हैं कोई। प्रिंटर, अभी हम सर्च करते हैं। तो हमारे पास जितने भी प्रिंटर से रिलेटेड जितने भी आइटमें हैं वो सारी इसमें हमारे पास शो हो रही है। तो हमने कार्ट्रेज फॉर प्रिंटर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आइटम हमने अपनी लेजर में क्रिएट करनी है। तो हमारे पास ये आइटम कोड आ गया इसका ऑटोमेटिकली और इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई है। हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कार्ट्रेज का पूरा नाम लिख सकते हैं, उसका किस प्रिंटर में ये कार्ट्रेज लगता है उसका नाम लिख सकते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट आइटम टाइप, आइटम टाइप में क्या है, वाइटल है, सेफ्टी है, अदर्स है, इसमें हम अदर को सेलेक्ट करते हैं। आइटम यूजेस, कंज्यूमेबल है या अदर्स, तो ये कार्ट्रेज क्या होती है, कंज्यूमेबल होती है, कंज्यूम हो जाती है, तो हम इसको कंज्यूमेबल पे क्लिक करेंगे। डज आइटम हैज शेल्फ लाइफ, यस या नो, शेल्फ लाइफ है या नहीं, तो कार्ट्रेज की शेल्फ लाइफ होती है, तो इसको हम यस कर देते हैं। कितनी शेल्फ लाइफ होती है, तो हम इसको 24 मंथ लिख लेते हैं। PAC आइटम है, यस नो, हम नो कर देते हैं। इनिशियल स्टॉक, यहाँ पे इनिशियल स्टॉक एंटर करते हैं। सपोज हमारे पास 10 नंबर्स कार्ट्रेज पड़ी हैं और यहाँ पे हम यूनिट सेलेक्ट करते हैं नंबर्स। मेक हम लिख देते हैं ब्रदर्स का मेक है। प्रोडक्ट सीरियल को छोड़ देते हैं। एंटीसिपेटेड एनुअल कंजम्पशन कितनी है हमारी,
तो ये नॉन स्टॉक आइटम है, तो हम इसको जीरो भी लिख सकते हैं, या हमारे एक साल में कितने यूज होते हैं हम उसकी क्वांटिटी लिख सकते हैं, एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन लिख सकते हैं यहाँ। लेकिन ये नॉन स्टॉक आइटम है इसलिए हम इसको जीरो लिख रहे हैं। यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड लिमिट लिखते हैं। सपोज हमारी एक महीने में 5 कार्ट्रिज लगती हैं, तो हम 3 महीने का स्टॉक रख लेते हैं कि 3 महीने में 3 महीने का हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। तो 3 महीने में 15 थ्रेशोल्ड लिमिट लिख दी। एवरेज रेट हमने 2500 लिख दिया। एक्सपायरी अभी हम छोड़ देते हैं। लास्ट रिसिप्ट कब हुई थी, सपोज हमारी लास्ट रिसीट हुई थी फेब में, 5 फरवरी को हमारी लास्ट रिसीट हुई है, इशू हुआ है हमारा नवंबर में, 4 नवंबर को हमारा लास्ट इशू हुआ है। तो वेरिफिकेशन हमारी लास्ट कब हुई थी हम वो लिख सकते हैं। कोई भी डेट डाल देते हैं वेरिफिकेशन की। किसने वेरिफिकेशन की थी, डिपार्टमेंटल हुई थी या अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स की वेरिफिकेशन लिख देते हैं, अकाउंट्स ने की थी। स्टॉक हमारा कहाँ पे पड़ा है, अलमीरा में हमने रखी हुई है। तो इस आइटम का वेट कितना है इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, और इमेज अपलोड करने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं, तो हमारा ये चेक बॉक्स आ जाता है। हम चेक करने के बाद हम इसको ओके करते हैं, तो हमारी ये आइटम क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेजर फोलियो आइटम क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो जैसे ये टिक का निशान आ जाता है इसका मतलब है कि हमारी लेजर फोलियो आइटम क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो इसमें जो हमने इनिशियल स्टॉक लिया था वो भी हमें शो हो रहा है। तो इसका हम व्यू देख सकते हैं, व्यू लेजर में जाके व्यू लेजर को क्लिक करेंगे तो हमें ये आइटम जो हमने क्रिएट की है उसका पूरा व्यू हमें नज़र आ गया है। तो इसका हम प्रिंट भी ले सकते हैं, इसको डिजिटली साइन भी कर सकते हैं। तभी हम दोबारा लेजर में जाएंगे, लेजर में जाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास T&P आइटम में हमने एक फोलियो खोला है और उसमें एक आइटम क्रिएट की है जिसकी वैल्यू सामने आ रही है, और ये हमारे पास पूरी समरी बन के आ गई है कि हमारे पास इस समय कितनी लेजर हैं और उसमें कितनी फोलियो बनी है और कितनी आइटम हमने क्रिएट की है, और टोटल दोनों लेजर की वैल्यू कितनी है ये हमारे पास नीचे लिखी हुई है। तो इसका हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो अभी हमने सीखा है हाउ टू क्रिएट लेजर, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, और लेजर में फोलियो क्रिएट कैसे करते हैं, और फिर आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसमें जो वीडियो में लाइक बटन है लाइक बटन को प्रेस करना, साथ में सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस करना, और ऊपर जो राइट हैंड साइड में बेल आइकॉन का बटन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।